दोस्तों, आज हम अज़रबैजान के बारे में जानेंगे। ये देश पृथ्वी पर ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में मिडल ईस्ट के ऊपर कैस्पियन सी पर आता है। 1991 तक अज़रबैजान यूएसएसआर का हिस्सा था, बट जब 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो अज़रबैजान अलग हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया। और उसके बाद जो सीआईएस मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन हुआ, उसमें सीआईएस में अज़रबैजान एक हिस्सा बन गया। और अभी अज़रबैजान एक इंडिपेंडेंट सीआईएस कंट्री है। अज़रबैजान का जो ज़मीनी साइज़ है वो लगभग 86,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। अज़रबैजान की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ लोग हैं, और जिसमें से लगभग 97% 97% लोग जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं। इस देश में करेंसी मन्नत चलती है, MANAT, जिसका शॉर्ट फॉर्म AZN है। अज़रबैजान की जो राजधानी है उसका नाम है बाकू। यहाँ मैप पर आप सामने देख सकते हो, राइट कॉर्नर में जो कैस्पियन सी में दिख रहा है वो बाकू शहर ही अज़रबैजान की राजधानी है। और ये लगभग 28 मीटर नीचे है, ध्यान से सुनिए, 28 मीटर नीचे है समुद्र सतह से। अब यहाँ पर आपको एक सवाल उठ सकता है कि अगर ये समुद्र सतह से 28 मीटर नीचे है तो ये कैस्पियन सी पर समुद्र से ऊपर कैसे है? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कैस्पियन सी को हम लोग सी बोलते तो हैं, बट एक्चुअली वो सी नहीं है। इसे एक दुनिया का सबसे बड़ा लेक कहा जाता है। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, और ये लेक होने की वजह से यहाँ की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई नहीं है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल समुद्र की जो सतह है दुनिया भर में, अटलांटिक पैसिफिक, उस सतह से कंपेयर करेंगे तो 28 मीटर बाकू शहर उस सतह से नीचे आता है। मतलब अगर अटलांटिक या पैसिफिक पर यह शहर होता तो अभी तक डूब गया होता। अज़रबैजान की आबादी का लगभग 25% हिस्सा, मतलब कुल 25 लाख लोग बाकू शहर और उसके आसपास के एरिया में ही रहते हैं। दोस्तों, बोलने के लिए अज़रबैजान ये एक मुस्लिम कंट्री है, 97% पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम है, बट जब भी आप बाकू को विजिट करोगे, यहाँ की राजधानी, आपको शौक लगेगा। हाँ, शौक लगेगा क्योंकि मैं यहाँ जा चुका हूँ और इस देश में जो इनका लाइफस्टाइल है वो पूरा यूरोपियन है। इनका जो पहनावा है, इनका जो वे ऑफ लिविंग है, इनका जो स्टाइल है, ये सारा यूरोपियन है। सो ये देश बोलने को तो एक मुस्लिम कंट्री है, बट इनका लाइफस्टाइल पूरा यूरोपियन, आपको यूरोपियन फीलिंग आएगी इस देश में। आइए जानते हैं अज़रबैजान के बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो आपने विजिट करने चाहिए अज़रबैजान टूर पर। दोस्तों, अगर आप बाकू में सबसे बेस्ट होटल में रहना चाहते हो तो मेरा सुझाव होगा कि आप होटल फेयरमोंट, जो कि फ्लेम टॉवर्स में है, इसमें रुकिए। फ्लेम टॉवर्स का जो सामने का व्यू है वो कैस्पियन सी सामने ही है, और बाकू जो कि एक विंड सिटी के लिए फेमस है, जिसे विंड सिटी भी कहा जाता है, आपको यहाँ पे अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे फ्लेम टॉवर्स से। और सामने कैस्पियन सी होने की वजह से नाइट का जो व्यू है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो व्यू है एकदम ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने मिलता है फ्लेम टावर से। दोस्तों, अभी हम विजिट करेंगे मड वोल्केनोज इन बाकू। अभी हम इन पुरानी रशियन मेड लाडा व्हीकल से ड्राइव करके जा रहे हैं मड वोल्केनो की तरफ। यहाँ पर नॉर्मली प्रॉपर रोड नहीं है, यहाँ पर जो रोड है ये डर्ट रोड है, और इस गाड़ी में ट्रैवल करने का, इस डर्ट रोड पर जो अनुभव है, ये एक अद्भुत अनुभव है। और सारे जो ड्राइवर है यहाँ पर लगभग जेम्स बॉन्ड स्टाइल में गाड़ियों को चलाते हैं, तो ये गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है लगभग 10 मिनट का, ये आपने मिस नहीं करना चाहिए। अभी जो मड वोल्केनोज हम लोग विजिट कर रहे हैं ये बाकू शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। हमारी बस ने हमें यहाँ के जहाँ तक नॉर्मल रोड है वहाँ तक ड्रॉप किया, वहाँ से इन लाडा व्हीकल से हम लोग अब उस मड वोल्केनो की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ढेर सारे मड वोल्केनोज एक ही जगह पे हमको देखने मिलेंगे। वैसे अगर आप इतने दूर ड्राइव करना नहीं चाहते तो बाकू शहर से लगभग करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर भी कुछ मड वोल्केनोज है, जो अगर आपके पास समय कम हो और आप ड्राइव नहीं करना चाहते इतना लंबा, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। अभी हम मड वोल्केनोज पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सामने मेरे मड वोल्केनो की मड पूरी फ्लो हो रही है, और यहाँ जो आग आप देख रहे हो ये ज़मीन से गैस निकल रही है, और इस गैस की वजह से, जो गैस है ये फ्लेमेबल गैस है, तो ये गैस यहाँ पे जलती रहती है। अज़रबैजान गैस और ऑयल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पर ये मड वोल्केनो उसमें भी जो गैस निकल रही है वो कभी कभी वो आग पकड़ लेती है, या कुछ लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं, तो ये आग कंटिन्यूसली जलते रहती है, ये आग रुकती नहीं है क्योंकि ज़मीन से गैस कंटिन्यूसली बाहर आते रहती है।
हाँ, कभी कभार इसका जो फ्लो है वो बढ़ सकता है और जिसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों पहले एक एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ था जिसके बारे में आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो मर्ड जो है बाहर निकल रही है और ये स्लोली प्रोसेस दिन रात चलते रहता है और ये पाइल अप होते रहती है। यहाँ पर ये ढेर लगते जाते हैं। आप देख सकते हो ये जो मर्ड है वेरी सॉफ्ट है, वेरी प्योर लुकिंग है। तो ये मर्ड जो है इसको लोग स्किन पर लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्किन पर लगाने के लिए काफ़ी टूरिस्ट इस मर्ड को बोतल में भरकर भी अपने साथ ले जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 700 के करीब करीब मड वोल्केनोज है, बट उस 700 में से लगभग 350 से 400 मड वोल्केनोज जो है जो अकेले अज़रबैजान में है। तो अज़रबैजान को आप मड वोल्केनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो। सामने कैस्पियन सी होने की वजह से यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चलती है जो आप फील कर सकते हो। बाकू आर्क पिलागो में लगभग 8 समुद्री द्वीप है जो कि मड वोल्केनोज से बने हुए हैं, जो कि ओरिजिनली मड वोल्केनोज हैं। दोस्तों अभी हम यनारदाग में हैं जो कि एक बर्निंग हिल है, जलती हुई टेकड़ी। यनारदाग बर्निंग हिल जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है बाकू से। ये हिल 1950 से जल रही है, जब ऐसा बोला जाता है कि एक शेफर्ड ने गलती से यहाँ पर आग लगा दी थी। दोस्तों ज़्यादातर अज़रबैजानी जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को ज़ोरोएस्ट्रियंस मानते हैं। इस्लाम के आने से पहले ज़ोरोएस्ट्रियन लगभग 2000 साल पहले आज से यहाँ पर काफ़ी प्रचलित धर्म था और ज़ोरोएस्ट्रियंस में आग को एक बहुत ज़्यादा महत्व है, उसे देवता की तरह पूजा जाता है। आतिशगाह जो कि एक फायर टेंपल ऑफ बाकू भी इसे बोला जाता है। आतिश का मतलब पर्शियन में फायर होता है, आग। इस मंदिर में मौजूद शिलालेखों के हिसाब से ये जो है हिंदू और ज़ोरोएस्ट्रियंस की पूजा की जगह थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति आप देख सकते हो, यहाँ नटराज जी की मूर्ति है और यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख आप देख सकते हो जो कि शायद संस्कृत में है। और इस चीज़ों से ये प्रूव हुआ है कि ये जो जगह है ये हिंदू और ज़ोरोएस्ट्रियंस की पूजा स्थल के रूप में काम करता था। जब भी आप बाकू के आसपास के एरिया में ड्राइव करोगे तो आपको राइट लेफ्ट रोड के आसपास आपको सब ऑयल रिग्स लगी हुई देखेगी, ऑयल और गैस रिग्स, जिनमें से कंटिन्यूसली ऑयल और गैस को निकाला जाता है। यहाँ पर ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है तो छोटी छोटी रिग्स हर जगह पे आपको मौजूद दिखेंगी। गोबुस्तान रॉक आर्ट जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर है बाकू से, ये भी एक मस्ट विजिट साइट है। यहाँ पर जो गुफा मानव लगभग 10-15 हज़ार साल पहले यहाँ पर रहा करते थे उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स है। ये रॉक साइट गोबुस्तान मड वोल्केनो से काफ़ी करीब है तो आपके बाकू विजिट में दोनों साइट्स आपने ज़रूर विजिट करनी चाहिए। हैदर अलीयेव सेंटर जो कि बाकू की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इस बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है बाकू में। और ये कल्चरल सेंटर है जिसको जहा हदीद, दुनिया की मशहूर आर्किटेक्ट जहा हदीद ने बनाया हुआ है। 2007 की कंपटीशन के बाद जहा हदीद को चुना गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और ये कल्चरल सेंटर है जहाँ पर काफ़ी आर्ट मॉन्यूमेंट भी रखे हुए हैं अज़रबैजान के। फ्यूलिक डिज़ाइन पर बनी ये बिल्डिंग मस्ट विजिट अट्रैक्शन है बाकू का। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारी अगली वीडियो अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।